नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक्नोलॉजी कीड़ा चैनल में। और इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे रेजर पेजेस के बारे में। तो एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो है, मैंने सोचा है कि रेजर प्रोजेक्ट के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं। और प्रोजेक्ट टाइप्स में हम लोग जो है वेब प्रोजेक्ट चाहते हैं। तो ये देखिए, IoT बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी ये बनाता है, गेम्स है, एक्सटेंशन हैं, डेस्कटॉप हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर है। अभी हम लोग वेब के अंदर हैं तो वेब के अंदर ही बात करेंगे। ASP.NET Core वेब ऐप ऊपर लिखा हुआ है आप लोगों के सामने, प्रोजेक्ट टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ASP.NET Core एप्लीकेशन विद एग्जांपल ASP.NET Core रेजर पेजेस कंटेंट, ठीक है। C# में है तो आप लोग यहाँ पर नाम लिखें। यहाँ पर हम लोगों के पास टेस्ट प्रोजेक्ट है, तो यहाँ पर हम लोग नाम ले देते हैं टेस्ट रेजर हम लोग यहाँ पर नाम देंगे। तो देखिए, सॉल्यूशन नेम जो है वो भी टेस्ट रेजर आ जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पर टेस्ट रेजर वेब देंगे तो यहाँ पर भी टेस्ट रेजर वेब आ जाएगा। तो इसका नाम जो है हम लोगों को सॉल्यूशन का टेस्ट रेजर रख लेते हैं, और उसका नाम जो है प्रोजेक्ट नेम जो है वो टेस्ट रेजर वेब रख लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसीलिए हम लोगों को प्रोजेक्ट नेम और सॉल्यूशन नेम का जो डिफरेंस है वो आप लोगों को समझाना था, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात समझ में आ गई आप लोगों को। फ्रेमवर्क जो है वो .NET 5 है, 6.0 हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन HTTPS नेबल्ड रखते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा कि आप लोगों के सामने एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, और MVC और रेजर प्रोजेक्ट्स में क्या डिफरेंस है वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो गेटिंग स्टार्टेड विद रेजर पेजेस है, और जैसा कि मैंने हमेशा आप लोगों को कहा है कि डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में चीज़ों को जानेंगे, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैं यही चाहता हूँ कि जब आप लोग प्रोजेक्ट्स बनाएं तो मुझसे डिस्कस करें कि सर ये प्रॉब्लम आप मुझे फेस हो रही है और मुझे इसका निवारण दीजिए। अगर हम लोग सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर चलते हैं तो यहाँ पर कुछ डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स हैं। अगर आप लोग इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर आप लोग देखें कि जो पेजेस हैं उसको मैं एक्सपेंड करता हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को मॉडल व्यू कंट्रोलर से रिलेटेड कोई भी चीज़ें जो है वो फोल्डर्स जो है वो आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसका मतलब है ये MVC से डिफरेंस है, डिफरेंट है। और यहाँ पर सिर्फ पेजेस के अंदर जितने भी फोल्डर्स होते हैं उनमें जो फर्स्ट फाइल होती है index.css फाइल होती है, वही लेआउट पेज होता है जो आप लोगों के शेयर्ड के अंदर है। तो लेआउट की सबसे पहले बात करते हैं, इसमें भी आप लोगों के पास हेडर है, ठीक है। इसमें भी आप लोगों के पास बॉडी कंटेंट है, ये देखिए हेडर बॉडी में भी हेडर है, और यहाँ पर भी आप लोगों के पास रेंडर बॉडी है, और यहीं पर भी आप लोगों के पास फुटर्स कंटेंट है, ठीक है। तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ गई होगी कि जहाँ पर आप लोगों के पास रेंडर बॉडी आती है वहीं आप लोगों के जो जितने भी पेजेस होते हैं CSS/HTML फाइल या व्यूज जो होते हैं वो आप लोगों के रेंडर हो जाते हैं, ठीक है। अब जो आप लोगों का पेज है, ठीक है, तो ये तो था रेजर पेजेस के बारे में, layout.css/HTML। अब वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, ये है आप लोगों की क्लाइंट साइड वैलिडेशन। और हमेशा आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पार्शियल पेज है ये वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल, और इसका मतलब सीधा सा होता है कि हम लोग इसको दूसरी चीज़, दूसरे जो पेजेस होते हैं जैसे index.css/HTML में, इसको आप लोग काम में ले सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये एक क्लाइंट साइड वैलिडेशन के लिए अप्लाई किया जाता है, जैसे कि लास्ट वीडियोस में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया। व्यू इंपोर्ट्स की बात करते हैं, व्यू इंपोर्ट्स में टैग हेल्पर्स हैं, देखिए यहाँ पर टैग हेल्पर्स जो है वो इंक्लूड किए गए हैं। और टैग हेल्पर्स जो है, और आप लोगों को देखना होगा कि जब हम लोग MVC में यूज़ करते हैं तो यहाँ पर हम लोग एंकर टैग के अंदर ASP- और कंट्रोलर ASP-Action वगैरह लिखते हैं। यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना पड़ेगा, जैसे layout.css/HTML में चलते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना पड़ेगा पेजेस, ASP-Pages, क्योंकि आप लोगों के रेजर पेजेस में सिर्फ पेजेस होते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, तो ASP-Pages आप लोगों को लिखना होगा नेविगेट करने के लिए। अब सिमिलरली आप लोगों के पास error.css/HTML फाइल है जो कि रेंडर करता है एक्सेप्शंस को, एरर्स को, और व्यू स्टार्ट फाइल है, और ये बताएगी आप लोगों को कि लेआउट जो है वो कौन सा होगा, _layout फाइल। index.css/HTML फाइल है, ये आप लोगों की मेन फाइल है, होम पेज, इंडेक्स मॉडल, और चलिए हम लोग इसको अब रन कर लेते हैं। तो ये रेजर पेजेस है और इसी के अंदर आप लोगों को अब काम करना पड़ेगा, और आगे जितने भी वीडियोस आएंगे इसके रेजर पेजेस के, जो ट्यूटोरियल्स चलेंगे रेजर पेजेस का, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना ASP.NET Core में ज़रूरी है आप लोगों को, ताकि आप लोग एक सिंगल पेज एप्लीकेशन बना सकें, और आप लोग जो हैं इजीली कोई भी टाइप के एप्लीकेशंस हो, वेब एप्लीकेशंस, तो आप लोग इसमें सिंगल पेजेस के लिए बना सके। तो सिमिलरली आप लोगों को वही चीज़ दिख रही होगी जो MVC में हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ये तो आप लोगों का हेडर हो गया, ये आप लोगों की रेंडर बॉडी पार्ट हो गया, और ये फुटर पार्ट हो गया।
ठीक है, तो इतनी बात तो आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। अब नेक्स्ट में हम लोग चलते हैं, सिमिलरली आप लोगों के पास डिपेंडेंसीज हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, डब्ल्यू रूट फाइल्स हैं जो आप लोगों को एमवीसी फोल्डर्स में मिलते हैं, इसमें और उसमें कोई डिफरेंसेस इतना नहीं है, ठीक है। तो प्राइवेसी डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल है देखिए आप लोगों के पास, एंड ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन फाइल है वही, प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल। अब प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल को अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए मैप रेजर पेजेस है, रन है, ऑथराइजेशंस है वगैरह वगैरह सब कुछ आप लोगों के सामने जो है वो लिखा गया है, ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर यहाँ पर देखिए, ठीक है। तो ये इतना सब कुछ हो गया आप लोगों के पास, तो हम लोग चलते हैं इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल पर। ये इंडेक्स डॉट सी एस एस टी एम एल फाइल है जो आप लोगों की मेन फाइल है, और साथ ही इसमें आप लोगों को दो मेथड मिलते हैं जो इसकी कोड बिहाइंड फाइल होगी, जिसको हम लोग पार्शियल फाइल बोलते हैं, और ये भी आप लोग देखें कि पेज मॉडल से ही इनहेरिट है, ठीक है। और इसमें आप लोगों को दो मेथड मिलेंगे जैसे कि ऑन गेट और ऑन पोस्ट, जो कि आप लोगों को एम बी सी मॉडल में मिलते हैं, तो इसके कोड बिहाइंड फाइल में भी आप लोग जो है वो ये चीज़ लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स मॉडल क्लास, और इसके जो एच टी एम एल फाइल है, जो यू आई फाइल है, वहाँ पर मॉडल को भी इम्पोर्ट किया गया है एट द रेट इंडेक्स मॉडल, ठीक है। तो इंडेक्स मॉडल में जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो आप लोगों की यहाँ पर आप लोग काम में ले सकते हैं। ये देखिए इंडेक्स मॉडल कंस्ट्रक्टर हो गया, और ये ऑन गेट और ऑन पोस्ट मेथड्स हो गए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जानेंगे प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल के बारे में, और बहुत सारा कुछ बाकी है रिजर्व पेजेस में भी आप लोगों को बताना, तो वन बाई वन स्टेप्स में आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।